हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ थाईलैंड की। आप देख सकते हैं मैं बीच पे हूँ, अभी बीच रोड पे पटाया में, और मेरे यहाँ के भी ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए आप, जैसे वॉकिंग स्ट्रीट के और बीच रोड के। तो अपडेट ये है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि सब चीज़ें नॉर्मल हो गई। आप देख सकते हो काफ़ी लोग हैं अब हर जगह, और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि थाईलैंड में लोग अभी भी मास्क पहनते हैं, तो क्योंकि इंडिया में आप लोग बिल्कुल भी मास्क नहीं पहनते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो टूरिस्ट प्लेसेस में ठीक है, पर आप जैसे बैंकॉक में ट्रेन वेन में घूमोगे या और कहीं जाओगे तो आपको मास्क पहनने पड़ेंगे। दूसरा ये है कि अभी भी आरटीपीसीआर टेस्ट है, मैं उसका भी ब्लॉग अभी आने वाला है, हफ्ते 10 दिन में ब्लॉग आएगा, तो आप देख लेना। मैं बैंकॉक में आरटीपीसीआर टेस्ट कराऊंगा इंडिया जाने से पहले, तो अभी भी आपको वो टेस्ट कराना है। 1000 से 1500 बाट के बीच में रेट चल रहा है अभी भी आरटीपीसीआर टेस्ट का। आप जहाँ पे भी आप जो सी भी सिटी में आ रहे हैं वहाँ पे करा सकते हैं। दूसरा ये पॉइंट है कि नाइट लाइफ और सारी चीज़ें सब नॉर्मल है, सारा कुछ। यहाँ पे कोविड केसेस भी बिल्कुल ही बहुत ही कम हैं, 100 से 200 केस हैं पूरे थाईलैंड में, जो कि बहुत ही कम हैं। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना आ सकते हैं और घूम सकते हैं। फैमिली के साथ आइए और घूमिए और थाईलैंड की ट्रिप इंजॉय करिए, और मेरे व्लॉग देखिए, सब्सक्राइब करिए, पूरा आपको सारे व्लॉग्स दिख जाएंगे। काफ़ी इंडियंस लोग आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी फरवरी का मौसम वैसे सबसे अच्छा होता है आने का, पर मार्च के बाद थोड़ी गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, पर अभी भी बारिश नहीं है, तो जून के बाद बारिश है, तो उसमें आप ध्यान रखना। और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।